लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आप बोलोगे कि इस पर एक और वीडियो बनाओ तो मैं जरूर बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं के साथ एक और वीडियो के साथ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांडे के तेल के बारे में। ठंड भाव बुढ़ो, कितना जोश में हो आजकल है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के कुछ बेरोजगार यूट्यूबर्स के बारे में, जिनके पास अब कुछ बचा नहीं करने के लिए सिवाय अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग का मतलब मोबाइल वोबाइल अनबॉक्स करना नहीं, चड्डी पैंटी सांडे का तेल गुटका बीड़ी खैनी ये सब अनबॉक्सिंग करने का, क्योंकि चोपो और गोपो मोबाइल देने से तो रहा है इनको। बॉडी केयर ब्रांड के 3 कॉटन पैंटीज का एक पैकेट, साइज है मीडियम, ये प्योर कॉटन के ब्यूटीफुली। बस यही सब रह गया था जिंदगी में देखने के लिए, और अब क्या चाहिए। जब यही सब रह गया था देखना, बाकी अब तो देख लिया, अब मर जा। नहीं बंटी भाई, अभी और बुरा देखना बाकी है यार। आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करने जा रहा हूँ अमूल माचो अंडरवियर को। इसको मैंने स्पेशली मंगाया है अमेजोन से, तो ये है इसका बॉक्स और मैं इसको करूंगा। अबे ए, इंसान का चड्डी मंगवाया है कि हाथी का चड्डी मंगवाया है? अब तो यार दुनिया से भरोसा ही उठ गया है मेरा। चलो यार कुछ गाना ही सुन लेता हूँ। नहीं मतलब एक बात तो सही है गाइस, टैलेंट के नाम पे ये हमारा कुतिया कटे जा रहा है। हाँ एकदम सही समझा, बट यार इसको इसी से व्यूज मिलते हैं यार। मेरे को पता नहीं, मेरे को मेरे किस्मत पे, किस्मत के बारे में मालूम है, बट कोई ना गाइस, एक ना एक दिन तो पलटेगी, और जिस दिन पलटेगी उस दिन मिर्जापुर कर देंगे। चिंता करने का ना ही है बेटा। नहीं नहीं, चिंता तो हम कभी करते ही नहीं है। किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, किसे कहते हैं हिप हॉप। नहीं क्या है ये, मैं बता रहा हूँ, इसके सर पे कोई ताला वाला साया है, मतलब चुड़ैल वुड़ैल आता है, जरा देखो यार इसको है। नहीं एक बार को तुम मेरी शक्ल झेल लोगे, वो तो झेलते ही अलग बात है, लेकिन एक बार को तुम मृणल की शक्ल भी झेल लोगे, लेकिन ये भाई साहब क्या ही टट्टी है। देखो यार मेरे को नहीं पता तुम लोग कैसे करोगे, अपना माथा फोड़ो या फिर कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे इसकी तरह एकदम स्वैग चाहिए, सेम टू सेम, समझा कन्हैया, तेरे से एकदम वही उम्मीद है। लेकिन भाई मुझे इस वीडियो में एक बात अच्छा लगा, इस वीडियो में वो पुराना वाला भूत नहीं आया। ये टेम्पो वाला गाना सुन के मुझे एक ही चीज की फीलिंग आ रही थी, सिंगिंग करने के लिए कोई टीचर होना जरूरी नहीं है, सिंगिंग करने के लिए दिल होना चाहिए। हाँ भाई ने एकदम सही बोला, दिल होना चाहिए, बट गला तो हम गधे के यहाँ से भी लेके आ सकते हैं, क्यों मिंडल भाई सही बोला ना। रैपर हियर, आज सिखाऊंगा ए मीमो का छत्री कैसे बनाते हैं। नहीं एक बार और बोलो भाई, आपने क्या बोला? ए मीमो का छत्री कैसे बनाते हैं। अरे तुरी माँ का टिकटॉक फेंक के मारू है। और हाँ एक बात तो कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और साथ में जो देखो यार घंटी का तो हमें पता नहीं, बट हम बजाते बहुत है। कैमरामैन जरा पास दिखाइए तो मैं। हाँ हाँ कैमरामैन भाई के में घुस जाइए। लेता हूं, डालता हूं, ये रहा केला, डाल दिया, लोदे में डाल दिया। और नहीं, नहीं, रुक। कहां से आते हैं ये? तो भी हो गया? नहीं सर हो गया तो आप धो लो, वरना बहुत मकेगा, मैं सही बता रहा हूँ। और भाई साहब ये यहीं से आते हैं और यहीं से निकले हैं ये। नमक नमक देते, नहीं तो खट्टा हो जाएगा। भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, ये लौंडा सही में पागल हो गया है, पता चलेगा थोड़ी देर बाद में ये रोटी के साथ खाना स्टार्ट कर देगा, ये जो सरा हुआ गूंसा चट्टी बनाया इसने उसी से।
नहीं दोस्तों सही बता रहा हूँ मैं, ये देख के मुझे एकदम टट्टी वाली फीलिंग आ रही है, किसी ने प्लेट में टट्टी निकाल के रख दिया है। तो दोस्तों ये रहा रोटी, तो आप ये रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत मजेदार टेस्ट होता है। मैं खाते करता हूं। ये रहा रोटी, इसको ऐसे घुमाओ, ये लग गया, आई मीन थोड़ा लगता है लेकिन टेस्ट कोई बना नहीं सकता। ये धीरे मिनार का आविष्कार है, बीमों का चटनी। तो मैं खा के दिखाता हूँ। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अबिंद। गाइस इसके इस वीडियो पे पता है कितने व्यूज है, लगभग 20,000 व्यूज, 25,000 व्यूज, पता नहीं क्यों देखते हैं लोग, बट मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। लोगों की अपनी मर्जी है, वो जो देखना है उनको वो देखे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक करके जाना वीडियो को, पसंद आया तो। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर ये सब हो गया तो बस जय श्री हरि का नाम लो और